आईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी संभल में सपा बसपा और कांग्रेस पर जमकर बरसे। जहां तेज बरसात के बीच भी वे बरसते रहे, वहीं मुसलमानों की भीड़ बरसात में उनके शब्द बाणों को सुनती रही। ओवैसी के मुख्य निशाने पर सपा रही। सपा पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव को भगवान कृष्ण सपने में आते हैं तो चुनाव की जरूरत ही क्या है। यही नहीं, ओवैसी ने संभल में सीएए की हिंसा के दौरान मारे गए दो युवकों को शहीद करार दिया। संभल के असमोली विधानसभा के कस्बा शहबाजपुर कला में बरसात के बीच हुई जनसभा में ओवैसी ने कहा कि वे मुसलमानों को नेता बनाने और हिस्सा दिलवाने आए हैं। मजलिस सियासी सेकुलरिज्म के खिलाफ है। सपा बसपा मुसलमान और हिंदुओं को डराती है। आज करवट न लेंगे तो नुकसान होगा। मुसलमानों ने सबका साथ दिया, उन्हें क्या मिला? मुसलमानों को मलिहाना मुजफ्फरनगर दंगा मिला। सीएए कानून पर सपा बसपा ने अमित शाह का साथ दिया। आजम खां और शफीकुर्रहमान बर्क सपा की नहीं अपनी ताकत से जीते। अखिलेश आजमगढ़ में मुसलमानों की ताकत से जीते। उन्होंने मुसलमानों और दलितों से आगे आकर मजलिस को वोट देकर अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। ओवैसी आज जहां बसपा सपा कांग्रेस पर बरसे तो बीजेपी को जमकर आड़े हाथ लिया। क्या कहा हैदराबाद के इस फायर ब्रांडी नेता ने, देखिए पूरी रिपोर्ट। लगा दिया गया आतंकवादी का इल्जाम हम पर लगा दिया गया, हमसे वोट हासिल भी किए, हमारे घरों को जला दिया गया फसादात में, हमारी खबरों पर समाजवादी पार्टी ने अपना सियासी महल तामीर किया। बताओ मेरे गयूर नौजवानों, बताइए मेरे बुजुर्गों, हम कब तक इस्तेसाल का शिकार रहेंगे? आज आपको करवट लेना है। अगर आज आप कर आपको गांधी जी का तीन बंदरों का किस्सा सुना होगा, आपने सुना होगा ना? ए वो तो जापान की 17 सेंचुरी की बात है जहां से निकला था। ये एक बंदर आंख बंद कर लेता है, एक बंदर मुंह बंद कर लेता है, एक बंदर कान बंद कर लेता है। आप अकेले से कहिए, अरे भैया मुजफ्फरनगर के कांड में इंसाफ नहीं हुआ, आंख बंद कर ली। आप अकेले से कहिए कि भैया हरिद्वार में समाजवादी पार्टी है, हमको मारने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस से कहिए कि रायपुर में आपकी सरकार है, कैसे फंक्शन करने दिया, तो कांग्रेस अखिलेश कान में उंगली डाल लेंगे, जबान को बंद कर लेंगे। अरे ये कैसे तीन बंदर तुम बैठे हो? याद रखो, इन तीन बंदरों को पहचानना है जो आग बंद कर लेते दलित और मुसलमान पर जब नाइंसाफी है। और भाइयों बुजुर्गों, अखिलेश यादव आजकल कह रहे हैं कि मुझे ख्वाब में भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। बीजेपी वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेकर पुकारती, ये राम को देखते हैं, वो कृष्ण भगवान को ख्वाब में देखते हैं। और अखिलेश को तो आकर कह भी दिया कि तुम मुख्यमंत्री बन रहे हो, फिर तो इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। आप जाइए राजभवन, जाइए बोलिए कि भगवान ने आकर ख्वाब में कह दिया, मुझे बना दो मुख्यमंत्री। मगर अखिलेश यादव सुनो, मेरे ख्वाब में असमोली के गरीब मुसलमान आकर मुझसे कह रहे हैं कि अब तुम गांव में मस्जिद के इमाम साहब को हजरत पुलिस ने, मोहब्बत से बोलते हैं हम, हजरत पुलिस ने इमाम साहब को जोत कोप किया, मारा। मोहतरमा विधायक को फोन गया तो उन्हें कहा मैं कुछ नहीं कर सकती, मार खाओ, मैं कुछ नहीं कर सकती। जब हमारे बुजुर्ग पर लाठी पड़ रही थी, उनको जोत कोप किया जा रहा था, मारा जा रहा था, जब आप ऐसे वक्त में मदद करने नहीं आए, अब चुनाव आएगा तो बोलेंगे दे दो बाबा अल्लाह के नाम पे हमको वोट दे दो। अरे ये तो क्लासिफाइड भिखारी है ये लोग, दे दो बाबा अल्लाह के नाम पे दे दो, सेकुलरिज्म के नाम पे दे दो बाबा, बाबा दे दो हमको, हमें छोड़ दो, हम माफी माफ कर दो, हम आपके पैर छूते हैं। और मुसलमान जज्बाती है, वो देख के बोलेगा यार आंसू निकलता है ना, हमको जज्बात में आ जाते हैं, माशाल्लाह से इतना गोश्त खाते हैं कि जज्बाती हो जाते हैं, और खाना भी चाहिए, प्रोटीन ताकत बनती है। देता तो कोई नहीं बाबा, ना ये मुख्यमंत्री बाबा देते, ना वो हमारे
प्रधानमंत्री मोदी जी देते, मगर जज्बात होश के साथ, जज्बात अपनी औलाद के साथ, जज्बात अपने मुस्तकबिल के साथ, जज्बात इन नाइंसाफी के खाते में के लिए, जज्बात में आकर जालिम का साथ नहीं देना, जज्बात में आकर उसका साथ नहीं देना जिसने आपका इस्तेसाल किया, जज्बात में आकर उसका साथ नहीं देना जिसने आपको खिलौने देकर आपकी विकल्प के तौर पर एक मर्द मुजाहिद की पार्टी आपके दरमियान में लड़ेगी आपके लिए इंशाअल्लाह ताला। अब आपको डर कर नहीं, मैं तो असमोली के हमारे दलित भाइयों से भी हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, आइए मजलिस का साथ दीजिए, मुसलमान और दलित मिलकर इंशाअल्लाह ताला असमोली से बीजेपी को कामयाब होने से रोकेंगे, समाजवादी नहीं रोक पाएगी यहां पर बीजेपी को।